सबसे पहले मैं, मेरा नाम डॉक्टर मनोहर लाल राव और मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ महाशय सदर सभा का। तो आज मैं उधमपुर की धरती पे आया हूँ, मैं उधमपुर की धरती को नमन करता हूँ। और मेरे साथ जहाँ पे मेरी महाशय सदर सभा के न्यूली मैंने बॉडी इलेक्टेड जो की है, बॉडी नॉमिनेट की है अपने साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें मेरे वाइस प्रेसिडेंट मैंने जो आपके उधमपुर से लिए हैं मैंने सोमराज कुंडल जी, और उनके साथ ही हमारे सेठी साहब हैं जी कन्वर बीर सिंह सेठी जी हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के, और मेरे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं अब जयपाल जी हैं, और ये हमारे भाई साहब उधमपुर से ही जो हमारी सारी जो टीम है इनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो आज मैं खासकर प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर महाशय सदर सभा जो है, हम 7 तारीख को, एतवार 7 तारीख को एक बहुत बड़ा जनरल इजलास करने जा रहे हैं। तो उस जनरल इजलास में मैं उधमपुर की अपनी जितनी मेरी बरादरी के कम्युनिटी के लोग हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, उनको बुलाना चाहता हूं, वहां पे सब लोग उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करें, जो हमारी बरादरी की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले जो जो भी हमारे विचार होंगे उनके हम ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। तो उसके बाद हमने पिछले दिनों में महाशय सदर सभा ने अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नई जो है अनाउंस की है, उसमें रिशफल किया है, जिसमें मैंने उधमपुर को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी है और सोमराज कुंडल जी को मैंने वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर आल महाशय सदर सभा में लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने पिछले 2-2.5 साल पहले मैंने जहाँ पे एक प्रेसिडेंट बनाया था वर्किंग प्रेसिडेंट श्री देवराय कुंडल जी को, लेकिन देवराय कुंडल ने बनने के बाद 3 साल पौने 3 साल हो गए उसने कोई भी पार्टिसिपेशन महाशय सदर सभा के अंदर नहीं की, कोई भी बरादरी के अंदर नहीं की, लेकिन मैंने बार बार अपने इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मैंने थे बनाए हुए थे पहले हमारे श्री सोमराम जोत्रा जी कठुआ वाले, तो उनको मैंने कहा बार बार पे आप जाओ उधर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जाके चुनाव कराओ इलेक्शन कराओ, लेकिन उन्होंने कई बार देवराय कुंडल जी को बोला कि आप इलेक्शन की मीटिंग कराओ, मेरी इलेक्शन की मेंबरशिप ड्राइव कराओ वहाँ पे, लेकिन देवराय कुंडल जी ने अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए हमेशा जहाँ नहीं चुनाव होने दिए, जहाँ चुनाव की मेंबरशिप को ड्राइव होने नहीं दिया, जो हमारे स्टेट के इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन सोमराम जोत्रा जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम उधमपुर के अंदर चुनाव कराएं, और जो वर्किंग प्रेसिडेंट हमने बनाया है देवराय कुंडल जी वो मेरा सहयोग करें जहाँ पे हम मेंबरशिप ड्राइव करें, जहाँ पे इलेक्शन कराएं, लेकिन वो आज तक विफल रहे और उनका कोई भी जो है पार्टिसिपेशन और कोई भी योगदान उनका महाशय सदर सभा के साथ नहीं रहा। तो लिहाजा आज मैं उधमपुर के अंदर आया हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ कि मैं देवराज कुंडल जी को और डिस्ट्रिक्ट जी की जो बॉडी है उसको मैं डिजॉल्व करता हूँ, और नए जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान होंगे, फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हम बाद में हमारा इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन आके करेगा, लेकिन कार्यकारी जो काम है जहाँ का वो सोमराय कुंडल ही देखेगा, क्योंकि जो स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी है और साथ में जे जो डिस्ट्रिक्ट का काम है वो भी हम इसको वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे हम आज सोमराय कुंडल जी को सौंपते हैं, और हम देवराय कुंडल को डिजॉल्व करके, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी को डिजॉल्व करके टिल इलेक्शन तक हम जे हमारे सोमराज जी काम करेंगे, और बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बींग ए प्रेसिडेंट ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं 20 मई 2018 में जीत के आया था, मेरा टेन्यूर जो है 20 मई 2021 तक रहा है, तो 20 मई 2021 तक मैं जम्मू कश्मीर की अपनी बरादरी को नई बॉडी चुनकर दूंगा, इलेक्शन करवाने का प्रोविजन भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मैंने नया इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया है अजीत कुमार विशिष्ट जी को, वो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे, इलेक्शन जो है वो 3 महीने के बाद जो इलेक्शन 3 महीने हमारी मेंबरशिप ड्राइव होगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर महाशय सदर सभा के इलेक्शन होंगे, और खासकर इस बार जो हम चुनाव करवाने जा रहे हैं हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बोर्ड लाएंगे, एक स्टेट प्रेसिडेंट का बोर्ड लाएंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सिंदूकड़ी लगेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोलिंग होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वोट पड़ेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रियासी कटरा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सांबा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो। तो इस बार जो महाशय सदर सभा चुनाव कराने जा रही है वो चुनाव हम जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में सिंदूकड़ियाँ लगाकर वहाँ पर वोट डलाकर हम एक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डलाएंगे, एक बोर्ड स्टेट के प्रेसिडेंट को डलाएंगे, तो हम नई बॉडी जो चुनके है मेरे टेन्यूर के एक दिन हम नई बॉडी चुनके 20 मई 2021 को हम नई बॉडी चुनके हम जम्मू कश्मीर की महाशय बरादरी को सौंपेंगे। तो आज इसी विषय पर मैं उधमपुर में आया था,
तो ये जो मेरे मासा सदर सभा के मासा बरादरी के जितने भी मेरे साथी हैं, प्रमिनेंट लोग हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो प्रेस के माध्यम से मैं जय मैसेज देने आज यहाँ पे आया था। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु नानक दास महाराज की जय।